आज हम आए हुए हैं नपलचू में और अभी हमारे साथ कुछ हमारे को ट्रेवलर्स हैं, कोई मराठा से, महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, दिल्ली, गुड़गांव, कर्नाटक, कर्नाटक से हैं, कर्नाटक से। क्या नाम है आपका? नलिनी। ओके, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? राधा। एंजॉयिंग। ये राधा जी है? शांत ग्रुप है। मेरा नाम नंदिनी है। ओके, कैसा लग रहा है आपको हिमाचल में आके? उत्तराखंड में? उत्तराखंड ये तो स्वर्ग जैसा है नपलचू। जो मेरा नाम नीता है। अभी हम फुटहिल्स में हैं। अभी हम बाबा यहाँ बहुत अच्छा ओम पर्वत और आदि कैलाश की बिल्कुल पास में है। बिल्कुल पास में नीचे, मतलब यहाँ से 22 किलोमीटर है। तो यहाँ तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल हमारे साथ गाइड है, उनका नाम है शीतल दीदी। और ये आपको एक ट्री यहाँ पर दिख रहा है, इसके बारे में बताएंगी, जो यहाँ हर घर के आगे लगा होता है। आप देखिए ये जो ट्री है, ट्री नहीं है, इसको कहते हैं दर्चो। दर्चो जब पूजा होती है हर साल, जब अपने गांव आते हैं उस टाइम ये ट्री में ये ध्वजा बांधा जाता है, जो अपने देवताओं को करके ईस्ट के नाम पे लगाया जाता है। कब करेंगे दर्चो? ये हर साल इसी टाइम पे, स्टार्टिंग में या मिडिल में किया जाता है। हर एक गांव का फिक्स नहीं होता किसी भी टाइम में, मई या फिर ये जब पूजा होती है अगस्त के टाइम पे। अगस्त के टाइम पे हर एक जगह पूजा होती है यहाँ गांव। और इस गांव का क्या नाम है? नपलचू। कुछ इसके बारे में स्पेशलिटी आप बताइए। आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? यहाँ इस गांव में तो पहली बार आई हूँ, बट ये है कि ये गांव बहुत अच्छा है, शांत है, सबसे नजदीक है, डाउन में है, और गांव की अपेक्षा ये डाउन में है। बाकी सारे गांव आपको ऊंचाई में मिलेंगे, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। ये गांव ना, ये गांव मुझे यहाँ पे जितने भी घर है ना, सब ट्रेडिशनल बने हुए एकदम, जो पुराने टाइम में होते थे वही है। अभी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे टच नहीं हुआ है बिल्कुल भी, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से घर बनाए गए। कहीं ना कहीं चेहरे पे अंतर लगेगा। शीतल जी, ये यहाँ पर कुछ स्पेशल वो पूजा कर लगा रखा है, ये क्या बोलते हैं इसको, आप कैसे कब करते हैं? ये गेहूं का है और इसमें जो ये गोबर है, गाय की गोबर जो पूजा करके लगाते हैं। तो ये कब पूजा होती है? ये इन्होंने जब इनके वहाँ गेहूं की फसल हुई होगी उस टाइम लगाया होगा, फर्स्ट फसल का। जैसे हमारे वहाँ करते हैं पहाड़ों में, हरेला वगैरह में करते हैं सेम। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस देखते रहिए, ये हमारा ब्लॉग आदि कैलाश एंड ओम पर्वत का ट्रैक। और यहाँ पीछे दिखाई दे रहे हैं माउंटेन्स, जिनमें थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हुआ हुआ है, बर्फ आच्छादित। तो मेरा नाम विपुल गर्ग, आप जैसा कि देख रहे हैं आज हम आए हुए हैं आदि कैलाश ओम पर्वत की जर्नी पर। थैंक यू। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं नेपालचू में और ये एक छोटी सी हम कॉलोनी में आए हुए हैं। यहाँ पर वुडन की और कुछ छप्पर नुमा ऊपर को क्या बोलते हैं छत को, उस टाइप के घर बने हुए हैं। और क्योंकि बरसात वगैरह रहता है, बर्फ वगैरह भी, स्नोफॉल वगैरह होता रहता है, ये लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, तो उसके लिए कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ, विंटर प्रिपरेशन हो रहा है। और ये इनका गेट है लकड़ी के बने हुए प्रॉपरली, ये मेन गेट, और ये ऊपर गेट, एक नीचे गेट, इस टाइप के डिजाइन बने हुए हैं। ये आप देखिए, यहाँ की हमारी जो शीतल जी हैं बताएंगी यहाँ के बारे में, बताइए कुछ। ये क्या कहते हैं, हमारे ये नपलचू गांव है, इसमें एंसेंट टाइम पे ये है कि अगर कोई फादर के 3 या 4 या 2 बच्चे हैं तो अकॉर्डिंग टू उनके घर का पार्टीशन होता है। Okay. ये वाला विंडो है, ये वाला एक रूम का डोर है। अच्छा, इसे हम लोग गोट कहते हैं। दैट इज विंडो एंड दैट इज गेट। हाँ, ये नीचे वाला रूम है, इसे गोट कहते हैं। Okay. गोट मीन्स ये नहीं कि आप मतलब जानवरों को करते, नहीं, इंसान के रहने के लिए भी है। और एक ही है, सेम दोनों साइड पे एक दो विंडो, हेलो, सेम ऐसे होगा। और इसमें ये है कि अंदर पे आपको एक रूम के अंदर एक और रूम मिलेगा, उसे आप चाहे, जैसे अगर भाई ज्यादा है तो अंदर किचन बना सकते हैं। सेम यहाँ पे भी बाहर एक रूम और अंदर एक किचन होगा। ओके, हर जगह पे सबका सिमिलर यही है। और ये जो ये हमारा एंशियंट टाइम से पैटर्न है, हर घर पे आपको एक अलग अलग। और गाइस, ये अगरबत्ती जलाने के लिए कुछ चिमनी सी रखी रहती है, ये पमा बोलते हैं, और इसमें इसको जलाते हैं, एक घास है यहाँ पे, ये धूप घास को इसमें जलाते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा के भी हमारे को मून लाइट दिख रही है। और गांव का सीन आपको दिखा रहे हैं, सोलर पैनल यहाँ लगे हुए हैं, हर एक घर के लिए सोलर पैनल होते हैं। अगर 2 सोलर पैनल लगे हैं तो उससे पार्टीशन होके 2-3 घरों को जाएगा। ओके, थैंक यू। आज हम नेपाल चुके एक विलेज में हैं और ये एक हट है और ये लकड़ी का बना होता है मोस्टली, और इसमें एक छोटी सी चिमनी लगी हुई है चूल्हा जैसा, और इतना मतलब इन्होंने वैज्ञानिकता से इसको लगाया है। इसका धुआं
जाने के लिए एक पाइप लगा हुआ है ऊपर। और इस हाउस में जो लैंडलॉर्ड की बेटी हैं वो बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाना पलचार है। अच्छा सियाना, इधर आइए ना, बताइए इस घर के बारे में क्या खासी होता है। और मतलब जो ये घर होता है बहुत पुराने, मतलब हमारे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर लोगों ने बनाया होता है। और ये जो लकड़ियाँ ये अब तो बहुत कम ही लोग उठा सकते हैं, पहले के हाँ, पहले की हैवी हैवी हाँ उठा ही नहीं सकते, अब तो नहीं उठा सकते। घर बहुत पुराने ऐसे 30-40 साल पुराना है। और क्या, ये छोटी सी विंडो है इस घर के अंदर। और ये सारा इन्होंने किचन का सामान वगैरह रख रखा है, चूल्हा है और इन्होंने सिलेंडर भी लगा रखा है, वैसे तो मॉडर्न। तो ये इनका हाउस, इसका ये चौखट, दूसरा ये रूम है इनका। तो ये छोटा सा, इसको कौन सा हाउस बोलते हैं, मड हाउस या वुडन हाउस? उत्तराखंड नेपाल चू धारचूला से आगे।